गहन रात्रि में ये कौन युवक इतनी कठोर तपस्या कर रहा है? ये तो ऋषि और वह है, परंतु ये इतने क्रोधित क्यों है? क्या तुमने अपने गुरु के सुख चैन को छीन लेने का निर्णय कर लिया है? धौम्य, क्या तुमने अपने गुरु की प्रतिष्ठा समाप्त करने के लिए इस आश्रम में प्रवेश किया है? नमः शिवाय। उत्तर दो धौम्य। नमः शिवाय। तुम अपने गुरु की अवहेलना कर रहे हो, ये शिक्षा तुम्हें कहां से मिली? ओम नमः शिवाय। हमने तुमसे पहले भी कई बार कह दिया है कि दिव्य ब्रह्म ज्ञान तुम्हें इस आश्रम में प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें काशी जाकर शिव आराधना करनी होगी। नमः शिवाय। मेरी अवहेलना करके तुम मेरे क्रोध को जागृत कर रहे हो धौम्य, पर्वत के समान जम कर बैठ गए हो, यहाँ हटी कहीं गए। मेरे क्रोध का परिणाम भयंकर होगा, तुम जन्म जन्मांतर तक अज्ञान के अंधकार में भटकते रहोगे धौम्य, किंतु ब्रह्म ज्ञान तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। नमः शिवाय। दुष्ट धौम्य, तपस्या के बहाने अपने गुरु का अपमान करना ही तेरा ध्येय है, हम तुम्हारी ये कुचेष्टा कभी सफल होने नहीं देंगे। नमः शिवाय। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू इसी क्षण कपोत पक्षी का रूप धारण कर अज्ञान के अनंत आकाश में भटकता रहे। ज्ञान प्राप्त करने वाले मानव शरीर के लिए तरसता रहे जा। अभी भी तू मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है दुष्ट। देवऋषि नारद, अहो भाग्य जो आपने पधारकर इस आश्रम को पवित्र कर दिया। और ऋषि, आपकी तपस्या एवं शिव भक्ति की मैंने बहुत कीर्ति सुनी थी, परंतु आपका आचरण देखकर मुझे अपार दुख हुआ है। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने वाले अपने ही शिष्य को आपने ऐसा कठोर श्राप दिया। देव ऋषि, ऋषिवर, ये आपने क्या किया? मुझे क्षमा कर दे ऋषिवर, क्रोध ने मेरी पुत्री को भ्रष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। परम ज्ञानी होने के पश्चात भी क्या आपको ये ज्ञात नहीं ऋषिवर कि क्रोध किसी दूसरे का नहीं, क्रोध करने वाले का ही नाश करता है? मेरी बुद्धि का नाश हो गया देव ऋषि, अब मैं शिव आराधना कर अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। नारायण नारायण, क्या जानबूझकर पाप करने वाले का अपराध इस प्रकार प्रायश्चित करने से समाप्त हो सकता है ऋषिवर? तो फिर मैं क्या करूं देवऋषि? मेरा श्राप कभी असत्य नहीं होता। ऋषिवर, मुख से निकला शब्द और धनुष से निकला बाण कभी लौट कर नहीं आते। कोई मार्ग तो होगा ऋषिवर, कृपया मेरी सहायता कीजिए। नारायण नारायण, अब आपकी सहायता इस संसार में भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही है, न जाने कहाँ है। माता, मैं आपके श्री चरणों में कुछ निवेदन करने का इच्छुक हूँ। कृपा करके आंखें खोले माता। श्री गणेश यहाँ इस प्रकार मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। माता माता अपने अखंड ज्ञान को तनिक विराम दें। मैं आपकी सेवा में कुछ निवेदन करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। पुत्र गणेश, तुम यहाँ इस समय? माता, मुझे जैसे ही आपके मन की उद्विग्नता का आभास हुआ, मैं यहाँ उपस्थित हो गया। हाँ पुत्र, पिछले कई दिनों से मैं अपनी उद्विग्नता से व्यथित हूँ। क्या शिव की अर्धांगिनी स्वयं अपने अतुल तेज से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती? इसीलिए मैं शिव के ध्यान में मग्न हो गई, किंतु मेरा मन स्थिर नहीं है। अपनी शक्ति पर स्वयं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा मार्गदर्शन करो विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता पुत्र गणेश। माता, पराग पर ब्रह्म, शिव में ही ब्रह्म ज्ञान समाहित है। चलो हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि वे आपकी उद्विग्नता का अंत करें। चलो पुत्र। प्रणाम माता। माता, मैं भी दिव्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की आशा लेकर स्थान स्थान भटक रहा हूँ। मेरी इस जिज्ञासा का अंत केवल आप ही कर सकती है मातेश्वरी। देवर्षि नारद, आप हमारे पूज्य हैं तथा मेरे माता पिता के परम भक्त हैं। आपकी आकांक्षा एक दिन माता पार्वती अवश्य पूर्ण करेंगी। नारद, इसी प्रकार शिव भक्ति करते रहो। उसे ही मैं तुम्हारी कठोर तपस्या मानकर तुम्हें वचन देती हूँ कि जो कुछ मुझे प्राप्त होगा वो तुम्हें भी प्राप्त होगा। माता कुमाता न भवति। माता, आप अंततः माता हैं, करुणा की मूर्ति, दया की देवी। चलो समाधि स्थल पर चलें। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती एवं मंगलकर्ता श्री गणेश की। पुत्र गणेश, तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य हमें स्पष्ट हो गया। नारद, तुम भी परम ब्रह्म ज्ञान की ललक में कहां कहां भटककर अंततः यहां आए हो। भोलेनाथ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की मेरी भटकाव यात्रा केवल यही सिद्ध करती है कि इस सृष्टि के प्रारंभ भी आप हैं और अंत भी केवल आप ही हैं। भोलेनाथ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की मेरी ललक आपके श्री चरणों से आरंभ होकर फिर आपके श्री चरणों में आकर पहुंची है। मुझे विश्वास है कि मेरी इस भटकाव यात्रा का अंत अब निश्चित होगा। पूज्य पिताश्री, निसंदेह हम सभी शिव भक्तों के लिए ये गौरव योग्य विषय है
कि हमारी प्रार्थना के स्वर आप तक पहुंच चुके हैं। आपकी भक्ति में लीन रहने वाले आपके सभी भक्त आपसे दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हैं, किंतु प्राप्त वही करेगा जो आपकी कृपा का पात्र बनेगा। भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में एक नम्र निवेदन करने का इच्छुक हूँ। नारद, हम भी तुम्हारा निवेदन सुनने के इच्छुक हैं। भोलेनाथ, आप भले ही मुझे दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान न करें, मैं संतोष कर लूंगा, किंतु मेरा हृदय आपके परम भक्त ब्रह्म को उसके गुरु ऋषि औरव द्वारा दिए गए कठोर श्राप से क्षुब्ध है। उस निरीह ब्रह्म को आप अपनी कृपा का कृपया दान करें, यही मेरा निवेदन है। तुम्हारी लोकहित भावना से हम अत्यंत प्रसन्न हुए ना, और शिष्य ध्रम्य के लिए तुमने अपने निजी स्वार्थ का त्याग कर अपनी माता पार्वती के दिए हुए वचन को पूरा करने में हमारी सहायता की। तुम्हारी कामना एक ना एक दिन अवश्य पूर्ण होगी। किंतु मेरी कामना का क्या होगा स्वामी? इस प्रश्न का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है, क्योंकि नारद को ब्रह्म ज्ञान आपके माध्यम से ही प्राप्त होगा। ये आपका नारद को वचन और आपके वचन की रक्षा करना हमारा परम उद्देश्य है। स्वामी, क्या हुआ देवी? आपको पति परमेश्वर के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई भोलेनाथ। धन्य तो हम भी हो गए देवी, पत्नी के रूप में शिवा को पाकर। शिव और शिवा एक दूसरे के पूरक हैं, किसी एक के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परात्पर ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर तथा शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय। भोलेनाथ, कहीं मुझे प्रोत्साहन देते देते आप। नारद, तुम्हें स्मरण करवाने की आवश्यकता नहीं। ध्रम्य को उसकी तपस्या एवं शिव भक्ति का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। तुम सब भी ब्रह्म ज्ञान पाने के अधिकारी बन गए। प्रतीक्षा करो, तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। बोलो हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। अपने ध्यान को विराम दो देवी, हम आ गए। स्वामी, आप यहाँ इस समय? हाँ पार्वती, समाधि में हमने देखा कि विश्राम काल में भी तुम हमारा ध्यान लगा रही थी, किंतु हमारे आश्वासन के उपरांत तुम्हारे हृदय का द्वंद समाप्त नहीं हुआ। ध्यान अवस्था में भी तुम ब्रह्म ज्ञान के विषय में ही विचार कर रही थी। हाँ स्वामी। तुम्हें अब उस विषय में हमसे चर्चा करने में भी संकोच हो रहा है, क्यों? सत्य है ना? आपके श्रीमुख से निकला प्रत्येक शब्द सत्य की प्रामाणिकता है स्वामी। तो संकोच मत करो, स्वयं अपनी अनुभूति हमें बताओ। आप तो सब कुछ जानते हैं सर्वेश्वर। हाँ जानते हैं, किंतु तुम्हारे शब्दों में सुनने के इच्छुक हैं। ऐसा हट क्यों स्वामी? ये हट नहीं देवी, उपचार है। उपचार? हाँ देवी, किंतु अभी तुम इस पर संदेह न करो, मात्र अपने विचार बताओ। आपकी तपस्या करती समय मैं यही सोच रही थी कि क्यों ना मैं स्वयं अपनी तपस्या से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आपको आश्चर्यचकित कर दूं। मेरे स्वाभिमान ने मुझसे कहा कि पार्वती, तुम तो स्वयं शक्ति स्वरूपा हो, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी की याचना पर नहीं अपितु
स्वयं अपनी शक्तियों पर विश्वास होना आवश्यक है। देवी, तुम्हारा ये कथन अभिमान से प्रेरित लगता है। अभिमान? आप इसे अभिमान कैसे कह सकते हैं? ये तो स्वाभिमान है। तुम्हारा ये उत्तर अभिमान से प्रेरित है। आप क्या कहने के इच्छुक हैं स्वामी? यही कि जिस जीवात्मा में लेश मात्र भी अभिमान या अहंकार की छाया रहती है, वो कभी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने ये स्पष्ट तो नहीं किया कि मेरे शब्द अभिमान से प्रेरित कैसे थे? हम तुम्हारे कौन है देवी? ये कैसा विचित्र प्रश्न कर रहे हैं आप? इस विचित्र प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है पार्वती। पति परमेश्वर अर्थांग। अर्थांग? अर्धांग का अर्थ जानती हो देवी? अवश्य। मेरे इस नारी शरीर में मेरे पुरुष भाग आपकी छवि है स्वामी। अर्थात तुम्हारे आधे शरीर में हम और हमारे आधे शरीर में तुम समाई हुई। तो अपने ही शरीर से कुछ प्राप्त करने में संकोच कैसा? क्या तुम्हारे स्वाभिमान को आत्म शत्रुता की श्रेणी में खड़ा नहीं किया जा सकता? तुम और मैं और तुम अलग अलग होते हुए भी एक है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। अतः हमारी हर वस्तु पर तुम्हारा स्वाभाविक अधिकार है, इसमें याचना अथवा संकोच का प्रश्न ही नहीं होता। मुझे अपनी त्रुटि का आभास हो गया है स्वामी, किंतु इस सारे घटनाक्रम में मेरा अहंकार या अभिमान कहाँ व्यक्त हुआ? आपकी अभिव्यक्ति अहंकार से प्रेरित है। कैसे स्वामी? अहंकार व्यक्ति को उसकी शक्ति का आभास करवा के ही आत्मशत्रु बना देता है। निसंदेह शक्ति स्वरूपा पार्वती स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकती है, किंतु किंतु क्या स्वामी? किंतु शक्ति स्वरूपा होने के उपरांत तुम्हें कठोर तपस्या एवं साधना करनी होगी, अपने आत्म तत्व को मुझ में विलीन करना होगा। इसीलिए तुम्हारी अभिव्यक्ति अभिमान प्रेरित। क्षमा स्वामी, किंतु अभी आपने स्वयं ही कहा कि मेरा आत्म तत्व आपका ही प्रतिरूप। इसीलिए हमने यह निर्णय लिया है कि आज हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान एवं उससे संबंधित प्रेरक कथा अवश्य सुनाएंगे। क्या ब्रह्म ज्ञान से संबंधित कोई प्रेरक कथा भी जुड़ी हुई है? हाँ देवी, उस कथा को सुनने समझने के उपरांत तुम दिव्य ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझ पाओ। अहो भागी स्वामी, तो आप विलंब न करें, मेरे हृदय के द्वंद का वास्तविक उपचार तो अब होगा। नहीं देवी। नहीं क्या स्वामी? अभी तुम्हें तनिक विलंब और सहना। आपके निर्णय के उपरांत तो कभी ऐसा नहीं होता। किंतु आज ऐसा होगा, क्योंकि ये प्रेरक कथा हम तुम्हें यहाँ नहीं, यहाँ से दूर किसी ऐसे एकांत स्थान पर सुनाएंगे जहाँ हम दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई उपस्थित ना हो। इतनी गोपनीयता क्यों स्वामी? अपात्र के कानों में परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान पड़ जाने से सृष्टि की समस्त व्यवस्था छिन्न भिन्न हो सकती है। देवी, इसमें योग्य पात्र की पात्रता के साथ ही साथ इसके रहस्य की गोपनीयता भी विशेष स्थान रखती है। इस आदेश का मुझे सदैव स्मरण रहेगा स्वामी। तो चलो देवी। परंतु आप दोनों के मुझे कहीं दर्शन नहीं हुए।
भोलेनाथ मुझ पर कृपा करें, मुझे दर्शन दे। हे गौरी शंकर, मुझ पर कृपा करें, मुझे दर्शन दे। स्वामी, ब्रह्मपुत्र नारद हमारे लिए भी पुत्र के समान है, उसे व्याकुल न करके अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। जैसी तुम्हारी इच्छा। भोलेनाथ, माता पार्वती, मुझे दर्शन दे। नारद, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? हम पहली बार तो कैलाश से अदृश्य नहीं हुए। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मेरी व्याकुलता का कारण ये है कि निरंतर शिवाराधना और ओम नमः शिवाय का जाप करने वाले को दिव्य ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति ना होना। भोलेनाथ, स्वयं मैं भी दिव्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना व्यग्र हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ, आपके भक्त मुझसे इसी विषय में प्रश्न करते हैं। जब स्वयं मुझे इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? मैं उन्हें कैसे संतुष्ट करूंगा सर्वेश्वर? नारद, परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान के दर्शन इतने सहज नहीं है जितना तुम एवं हमारे भक्तगण समझ रहे हैं। तो फिर भोलेनाथ, उसके लिए क्या करना होगा? अखंड शिव आराधना, कठोर तपस्या एवं नियमित ध्यान ही भक्त को ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा सकता है। नारद, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप तो आपके सभी भक्त इन्हीं नियमों का तो पालन कर रहे हैं भोलेनाथ, किंतु उनका मन व्यग्र और चंचल है। ना, वह हमारी आराधना कम और ब्रह्म ज्ञान पाने को अधिक आतुर है। नारद, तुम स्वयं सुनो एवं शिव भक्तों से जाकर कहो कि ब्रह्म ज्ञान उन्हें हमारे पंचाक्षरी मंत्र के जप के प्रभाव से ही प्राप्त होगा। यदि वो सब हमारे द्वारा बनाए गए आवश्यक नियमों का पालन करें। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप तो हम सभी भक्त निरंतर कर ही रहे हैं, फिर भला हमें दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? लगता है इस प्रश्न का उत्तर भगवान भोलेनाथ से पूछना उचित नहीं होगा। नारद, अब तो जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और मेरे परम पिता ब्रह्मा जी की शरण में जाना होगा। नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या हुआ देवी? आनंद मंत्र का जाप करते हुए आप रुक क्यों गई? आपके मार्गदर्शन पर मैं न जाने कब से दिव्य ब्रह्म ज्ञान का परम आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ, किंतु कोई लाभ नहीं स्वामी। अब मैं निराश हो गई हूँ। लाभ हानि, आप निराश, यह आज आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं देवी सरस्वती? ऐसा प्रतीत होता है कि आप नहीं अपितु कोई व्यापारी बोल रहा है। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस संसार में एकमात्र उपाय है। हाँ माता, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मुझे ये कहा है कि दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी महामंत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। सुना आपने, नारद के माध्यम से स्वयं भोलेनाथ के द्वारा भेजा गया ये संदेश, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम संदेश के साथ कोई जिज्ञासा भी लेकर उपस्थित हुए। हाँ परमपिता, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी महामंत्र का जाप तो हम सभी निरंतर करते ही रहते हैं, किंतु हमें दिव्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता? मेरे मानस से जन्मे नारद,
क्या तुम साधनोचित ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ नहीं जानते? क्या मेरे मानस पुत्र को इतना भी ज्ञात नहीं कि तपस्या में कठोरता की नहीं अपितु समर्पण भाव की आवश्यकता होती है? समर्पण भाव, साधनोचित ब्रह्मचर्य। हाँ नारद, इस समय संपूर्ण संसार में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की लहर चल पड़ी है, किंतु जो भी उसे पाने का इच्छुक है उसका व्यक्तित्व भगवान शिव शंकर के मोह में पड़ने के स्थान पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के मोह में पड़ गया। अर्थात परमपिता? अर्थात नारद, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हर व्यक्ति मात्र इसीलिए प्रयास कर रहा है कि वो संसार में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। नारद, संसार के विद्वानों में जन्मी यह महत्वाकांक्षा भविष्य में अत्यंत घातक सिद्ध होगी। परमपिता, मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ लोग निष्काम भाव से भी शिव आराधना कर रहे हैं। जो निष्काम भाव से शिव आराधना कर रहा होगा उसे अब तक परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो भी गया होगा, किंतु तुम सब फल की इच्छा करके जब तप, व्रत, पूजा या ध्यान करने वालों उसका फल कभी प्राप्त नहीं होगा। संभवतः आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। मैं स्वयं दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही उद्विग्न एवं व्यग्र थी। उद्विग्नता या व्यग्रता दिखानी है तो भगवान शंकर की भक्ति के प्रति दिखाओ देवी। यदि फल प्राप्ति के लिए उद्विग्न या व्यग्र होगी तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें परमपिता? चंचल चित्त नारद, दिव्य ब्रह्म ज्ञान सदा शांत चित्त निर्मल मन वाले सद्गुणी व्यक्ति को ही प्राप्त होता है, और वो भी तब जब उसका ध्यान ज्योति स्वरूपी ब्रह्म अर्थात निर्गुण सगुण शिव शंकर के श्री चरणों में बिना फल की इच्छा के लगा रहे। आप सत्य कह रहे हैं परमपिता, आप अक्षर सत्य कह रहे हैं। मैंने जिनको भी जाप करते देखा वो सब मेरी ही भांति चंचल चित्त वाले थे। परमपिता, मेरी जिज्ञासा शांत हो गई, अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। देवी लक्ष्मी, विष्णु प्रिया, सौंदर्य महारानी, देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, इतने लंबे समय से कठोरता से प्रयास करके ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपको क्या प्राप्त हुआ? यदि मुझे कुछ प्राप्त होता तो आपसे कुछ छुपा न रहता स्वामी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तपस्या से मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। इस तपस्या से तो सभी कुछ प्राप्त हो सकता है देवी। नारायण 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 नारायण। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम माता। श्री हरि, मैं ब्रह्मलोक से ब्रह्म ज्ञान का रहस्य जानकर आ रहा हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो ये आज्ञा मांगकर मैंने भूल की सर्वज्ञ, भला आपसे संसार का कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? मुझे क्षमा करें श्री हरि, मुझे क्षमा करें। प्रभु, यदि आप अपने इस दास पर प्रसन्न हैं, तो उस पर और एक कृपा करें। तुम्हारे चंचल चित स्वभाव को जानने वाला तुमसे कभी अप्रसन्न हो ही नहीं सकता। नारद, कहो क्या कहने को इच्छुक हो? श्री हरि, वो रहस्य कृपया आप माता लक्ष्मी को भी बता दें। चिंता ना करें देवी लक्ष्मी, वो रहस्य अब रहस्य नहीं रहेगा।